कैसे दोस्तों, आज हम खेलेंगे ब्रॉल स्टार, वो भी घस से। मुझे पता नहीं भैया इन्होंने क्या सोच के इसका नाम, जो नया ब्रॉलर आया है इस बार, उसका नाम घस रख दिया भाई। घसते रख देते हैं जो सही से, ठीक है। पता नहीं क्या मतलब होता था क्या नहीं होता, पहले मैं देख लूँ, चेकआउट कर लूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वहाँ पे। सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू चैनल पे, तो सब्सक्राइब लाइक की बकचोदी कर देता हूँ मैं थोड़ी सी, क्योंकि भाई लोग भूल जाते हैं, देखते हैं इतनी अच्छी गेम है, बातें करते जा रहे और भूल जाते हैं कि भाई सब्सक्राइब करा ही नहीं यार। तो मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर देना वीडियो को। चलो भाई शुरू करते हैं गेमा। और ये रही प्लेयर फाउंड, 3 बन गए 3 बाकी है। अब 3 कहाँ हैं, वो मुठ मार रहे हैं, गन मरवा रहे हैं, ये गैस करना है आपको केबीसी में। और ये आ गया है यहाँ पे, ठीक है। केबीसी मतलब कौन बनेगा चूतिया। मेरी टीम में है बो है, और ये की ये है, पता नहीं क्या नाम है भैया इसका, ठीक है। उनकी टीम में एक फ्रैंक है, 8 बिट है, और तीसरा बंदा कौन है पता नहीं मुझे अभी तक। ओ प्रीमो, ठीक है प्रीमो है इनके पास। तो भाई इनके पास हेल्थ पावर सबसे ज़्यादा है, शॉर्ट रेंज, मिड रेंज, लॉन्ग रेंज, 3 तरह के ब्रोन है हमारे ओपोनेंट्स के पास। और हमारे पास है थ्रोअर, मिड रेंज एंड लॉन्ग रेंज है, बो एंड मिड नॉट लॉन्ग, वो है मेरा गस्ट कह सकते हो तुम, लॉन्ग रेंज पे आ सकता है वो। पर भाई उसका जो ऐसा है, मिड रेंज में काउंट करता हूँ मैं, क्योंकि भाई उसका जो ये है बलून सा, वो इतनी दूर तक नहीं जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं इसकी सुपर पावर की, वो है एक शील्ड है जो इसको एक प्रोटेक्शन देती है। और यहाँ पे एक खास बात और है, वो प्रोटेक्शन आप खुद को भी दे सकते हो या अपने टीम मेट को भी दे सकते हो, ठीक है। तो एक तरह से ये आ रहा है हीलर की कैटेगरी में आ सकता है ये गस, ठीक है। डैमेज इसका है अराउंड 4000, जो कि अच्छा है, क्योंकि कईयों का 3 भी होता है भैया, वो कम माना जाता है। 4 से 5 में अच्छा है, और अगर 6 से ऊपर है तो भाई बहुत अच्छा है उसका। हेल्थ है उसकी बहुत अच्छी है, ऐसा कह सकते हो तुम, ठीक है। अब जैसे 8 बिट की हेल्थ ज़्यादा है पर उसकी स्पीड कम है। और यहीं फ्रैंक आ गया है, क्योंकि भैया कि मेरा फ़ोन जो है हैंग हो गया भाई। कभी पहले होता था ऐसा कि मैं गेम खेलता था भैया, बटन ही हैंग हो जाता था, मतलब जो उम्र जो हो रहा है जहाँ जा रहा है वहीं जाता रहता था, उसी के साथ हम मैच जीत गए हैं, ठीक है। जहाँ जाता था वहीं जाता रहता था ये जो ब्रॉल या जो उम्र जी। तो मुझे पता था मुझे मरना ही है, फिर क्या इतना वो करना। इस बात पे एक लाइक कर दो क्योंकि हम जीत गए हैं। 150 ट्रॉफी हो गई आउट ऑफ 160, 10 रैंक है। अगला मैच अगर हम जीत जाते हैं तो उससे अगले मैच के बाद हम रैंक 11 में पहुंच जाएंगे। तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है और बताओ यार कमेंट में, किसी को कोई दिक्कत है, कोई ट्रॉमा एनजाइटी वगैरह से गुजर रहा है तो वो बता सकता है, शेयर कर सकता है अपने साथ। क्योंकि भाई देखो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है और तुम किसी से शेयर कर दो, ठीक है, उसको लिख भी दो इवन, तो भाई वो दिक्कत तुम्हारी आदि समझ लो कम हो जाती है। दुख बांटने से कम होता है ऐसा कहते हैं लोग, और अब लोग कह रहे हैं कि दुख बांटने से बढ़ता है, क्योंकि भाई लोग मजाक उड़ाते हैं। तो भाई 2 मिनट रुक जाओ तुम, ठीक है। हमारे यहाँ कमेंट सेक्शन में अपने साथ लोग मजाक उड़ाते हैं भाई, क्योंकि दूसरों की उसमें क्या कहते हैं, दुख में लोग खुशी मनाते हैं, जो फिर भाई उनके साथ भी वैसा ही आता है। और यहाँ से मुझे करना पड़ेगा एडिट थोड़ा सा, यार मैसेज आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहा है। हाँ यार नंबर होते हैं वो, मैं चाहता है किसी को दिखे कोई और दिक्कत ना आए वगैरह। वैसे भी ग्रुप मैसेज आया, अब तो लोग मुझे जानते भी नहीं होंगे क्योंकि
आई ऑलरेडी लेफ्ट द ग्रुप भाई साहब, इतने मैसेज इतने नोटिफिकेशन बहन जो दिमाग की दही हो जाती है। दिमाग की दही तो मैं क्यों ही कह रहा हूँ यार, अब यहाँ तो है नहीं, दिमाग की माँ बहन हो जाती है बहन जो, बस साफ सी बात है। ये करो वो करो, फालतू के मैसेज, दैट यार, हैप्पी बर्थडे हैप्पी न्यू ईयर ये वो, अरे बस बहन जो कौन सा पैदा हो तुमने कुछ उखाड़ दिया। हैप्पी बर्थडे पता क्या होता है, हैप्पी बर्थडे होते जब तुम्हें लगता भी तुम्हारा जन्म हुआ है कुछ, तुमने नया कुछ सीखा है उस दिन तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है। जिस दिन तुम्हें लगे कि हाँ भाई तुमने कुछ नया अचीव कर लिया है अपनी ज़िंदगी में, उस दिन तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है। यहाँ बहन जो इतने सालों से तुम्हारी जॉब नहीं लग रही है ना, तुम कुछ कर रहे धर रहे घर में बैठे धर रहे, ठीक है रोटियाँ तोड़ रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा भाई देखो कि इट इज़ योर फॉल्ट एंड तुम्हारी सारी गलती है, नहीं ये नहीं कह रहा, क्योंकि मैं समझता हूँ यार एक बंदे की दिक्कत और ख़ासकर लड़के की दिक्कत समझता हूँ। मैं जो कोई इज्जत नहीं देता, पैसा ना हो तो एक उम्र के बाद घर वाले भी कब तक ही खिलाएंगे बैठ के। सच भी है जो कि अब क्या करें भाई, दोनों तरफ रियलिटी वो होती है। माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारे जीते जीते हमारा बच्चा जो है वो सेटल हो जाए, अपना नाम कमा ले, थोड़ा सा अपना पैसा अपनी पहचान बना ले, हमारे जाने पर उसको दिक्कत ना हो। और इन सब की फ्रस्ट्रेशन में भाई वो भूल जाते हैं कि वो अपने बच्चे को इतना टॉर्चर कर रहे हैं। और भाई देखो जो स्ट्रगल होता है ना, वो मैं मानता हूँ कि भाई अपना दिखता सबको, ठीक है अपना स्ट्रगल सबको दिखता, दूसरों का नहीं दिखता। हम भी कोशिश करते हैं, तुम भी कोशिश कर रहे होंगे अभी कि हाँ भाई तुम्हारी जॉब लग जाए कहीं पे, फिर अपने को थोड़ा सपोर्ट बन जाए, पैसे मांगना अच्छा नहीं लग रहा होगा तुम्हें घर पे, मैं समझता हूँ। पर देखो यार तुम्हें छोटा मोटा काम करना ही पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि भाई अब तुम ये बहुत बड़ी दिक्कत है, तो भाई देखो क्या करो, सबसे बड़ी बात छोटा मोटा अगर तुम्हें काम करना है तो भाई तुम अपने शहर में तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई कोई ना कोई तुम्हें जानकर अब नहीं जाएगा जो तुम्हें टोक देगा फोक देगा या जो मतलब, ठीक है। इवन फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ तुम्हें एग्जांपल कि तुम वेटर की नौकरी कर रहे हो, तुम्हारे दोस्त जो है कुछ फॉरन चले गए होंगे, कोई बाहर होगा, कोई अच्छी कंपनी में काम कर रहा होगा, हैंडसम सैलरी दे रहा होगा, पैकेज होगा अच्छा सा, किसी गवर्नमेंट जॉब लगी होगी, ठीक है हमारी तुम्हारी नहीं लगी बाय चांस किस्मत से या जो मर्जी कह लो, तो तुम वेटर की नौकरी कर रहे हो, तुम्हारा दोस्त आता है, तो भाई क्या जवाब दोगे तुम उसको, तुम्हारा सिर झुक जाएगा या जो मर्जी। अब देखो भाई यहाँ पे दो सोल्यूशन है, या तो तुम रियलिटी को फेस करना सीखो, ठीक है, और रियलिटी यही है भाई कि सबका ना अपना वक्त होता है और अपने वक्त पे हर कोई कामयाब बन जाता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बंदा हो तुमने देखा होगा भाई, और एस्ट्रोलॉजी में अगर तुम मानते हो तो भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। एक एज होती है, कुछ लोग होते हैं बचपन से ही फेमस होते हैं, बचपन से ही पैसे कमा रहे हैं या वट एवर दे विल डू दे, या तो बिजनेस कर रहे हैं वो अपने पापा मम्मी का संभाल रहे हैं बचपन से ही, ठीक है। जैसे 14-15 साल की उम्र होगी वो, देन आती है 22-23 की उम्र वो, फिर 24-25-26-27 ऐसे, फिर होता है 32 और सबसे लास्ट है 34, ठीक है 34 सबसे लास्ट मान लो तुम। ये जो एज है ना ये कैटेगरी वाइज बता रखी है मैंने, टाइम में डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ मैं इसकी, बट अभी सुन लो तुम क्योंकि भाई गेम चल रही है सामने, ज्ञान बढ़ रहा है तो ले लो, ठीक है। तो भाई ये सब एज है, तो इस एज में कामयाब हो जाते हैं बंदे, ठीक है। कई बार तुम्हें लग रहा होगा भाई तुम मेहनत कर रहे हो, स्किल भी है तुम्हारे पास, तुम मेहनत भी कर रहे हो, पर वो रिजल्ट नहीं आ रहा जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। लगता है ना कभी कभी यार हमने मेहनत इतनी करी या रिजल्ट नहीं आया, वो क्योंकि भाई वो तुम्हारा टाइम नहीं है। दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते, ठीक है। गॉड क्रिएट अस नॉट इक्वली, गॉड क्रिएट अस डिफरेंटली एंड विद यूनिकनेस एंड रियलिटी कह दो तुम, ठीक है। भगवान ने सबको भी बराबर नहीं बनाया, ये तो एक वैलिटी का चौदह तुमने चौदह रखा है, इंसानों ने चौदह रखा है, साफ सी बात है। हम इक्वल है, हम ये है वो है, नहीं हो भाई तुम इक्वल, इक्वल हो तुम इसमें जात पात धर्म जब आता है ना बात, तब तुम कहो कि भाई हम इक्वल है, ठीक है। जब किसी बंदे की मदद करनी हो तुम्हें तब तुम कहो कि हाँ भाई तुम इक्वल हो, ठीक है। जब किसी जानवर की मदद करनी हो तब मत देखो तुम अपना धर्म वगैरह क्या है, उसकी मदद करो, इंसान की मदद करो, किसी एक्सीडेंट हो गया उसको तब देखो। और इन सब में मत देखो भाई कि क्या कहते हैं इक्वल है, इक्वल है, सब चीज़ों में तुम इक्वल देखने लगे पड़े हो कि
सब एक समान होते हैं, ये वो, सबको बराबर इज्जत दो ना। बहन जो क्यों देनी है बराबर इज्जत सबको, सबको बराबर इज्जत देनी है तो भैया रेपिस्ट को भी आज़ाद करो, उसको भी दो ही धर्मवीर पुरस्कार या जो मर्जी, ठीक है। ऐसा नहीं होता है बहन, जो गुनाह कर रहा है उसको सज़ा मिलेगी, साफ सी बात है। और बिना किसी, मतलब एक ऐसी सोसाइटी बनाना, ठीक है, जहाँ पे लोग क्राइम ही ना करते हो, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। किसी ना किसी के कान में दर्द होता ही है जो क्राइम करने जाता है, ठीक है। पहले तो सिस्टम सही नहीं है। आई स्टडी लॉ एंड सम रूल्स, और मतलब अलग अलग दुनिया की कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं मैंने। किसी का भी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जिसको कहते हो, परफेक्ट नहीं है। इंडिया में तुम देख रहे हो अभी आजकल क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन पे लड़कों के खिलाफ कोई कानून नहीं आ रहा है, सब लड़कियों पे भी अब नया कानून आया भाई। अगर तुमने लड़की को देख लिया बिना कपड़ों के, बिना उसकी कंसेंट के, ठीक है, तुमने गलती से भी देख लिया लड़की को बिना उसकी कंसेंट के, बिना कपड़ों के, तो भैया तुम पे केस बन जाएगा, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी, ठीक है। हरासमेंट का केस बनेगा जो डिफाइन नहीं है, यहाँ तक अगर मैं रॉन्ग हूँ भाई तो मुझे क्रैक कर सकता कोई एडवोकेट अदरवाइज़, बट ये दो है। बट हरासमेंट वाला जो पॉइंट है उस पर मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। हरासमेंट का केस बनेगा जिसका जिसकी कोई जिसको कोई डिफाइन ही नहीं करा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, बताओ क्या है हरासमेंट, नहीं टॉर्चर वगैरह वो सब। और ये दो तब भी काम करेगा जब एक लड़की लड़की को देख रही है बिना उसकी कंसेंट के, बिना कपड़ों के, तो लड़की को भी साथ साथ कीजिए, नो सबके जुर्माना वगैरह वो सब होगा। पर भाई अगर लड़की किसी लड़के को देख लेती है बिना कपड़ों के, अनजाने में ही देखने, कोई चक्कर नहीं भाई साहब, तो भाई लड़की पर ही उल्टा केस पड़ेगा, देख रहे हो तुम। ये सब भाई सोसाइटी को बर्बाद करने के जो होते हैं ना तरीके हैं सारे के सारे। और एक और आया भाई साहब जिसमें लड़की चाहे तो डिवोर्स ले सकती है अगर वो नहीं चाहती सास ससुर के साथ रहना, इस बेसिस पे ले सकती है भाई, तो भाई लड़के के माँ बाप कहाँ जाए वो अपनी धन संपत्ति को लेके या जो उम्र थी, ठीक है। मैं कहने वाला था गलत वर्ड, बट मैंने रोक लिया खुद को, क्योंकि भाई किसी के माँ बाप के बारे में कहना मेरे को ठीक लगता नहीं है, जब तक ज़रूरी ना हो। मतलब अगर सामने आना कह रहा है तब भी मैं सोचता हूँ भाई कोई जवाब तो देना ही पड़ता है, क्योंकि भाई आज के टाइम में लोग ना ऐसे होते हैं कि भाई अगर तुम मतलब समझ लो कि भाई पहले का टाइम अलग होता था, पहले जो बातें सुन लेता था, चुप रह जाता था, गुस्सा कंट्रोल कर लेता था, जो सिर झुका के खड़ा रहता था, ठीक है, उसको सम्मान किया जाता था कि भाई उसको सम्मान किया जाता था, उसको प्रेस किया जाता था कि भाई इस बंदे में पेशेंस है, ये अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, अपने और जो भी ठीक, जो ठीक बात भी है, क्योंकि भाई जो बंदा गुस्से को कंट्रोल कर सकता है या ऊट पटांग इधर उधर की बातें नहीं कर रहा, गाने वगैरह नहीं दे रहा, वो भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है, ठीक है, वो कोई ऐसा वैसा नहीं है बंदा, वो स्ट्रॉन्ग है, हर मायने में स्ट्रॉन्ग है। बट आजकल भाई सर झुकाने वाले का नहीं, जो सर काटता है या जो जवाब देता है उसकी जिद करते हैं लोग, तो हमें भी वैसे जीना पड़ेगा। लोग चुप्पी को कमजोरी समझ लेते हैं, जो चक्कर ही है, शरीफ बंदे को समझ लेते हैं ये चूतिया बंदे है, ये बातें हैं आजकल, तभी बहन जो कोई दिक्कत नहीं, जैसी दुनिया वैसे ही व्यवहार करना पड़ता है एटमोसफेयर के अकॉर्डिंग ना, समझ लो। तो बस यही सब बातें हैं। तुम्हें पसंद आ रही है मेरी वीडियो, नहीं आ रही बताओ यार, ये वीडियो डलेगी मार्च, पता नहीं अप्रैल में जाएगी वीडियो। अभी बज रहे हैं 3:08 हो रहे हैं रात के भाई साहब, ठीक है। आज दिन है 27 जनवरी 2024 है आज, ठीक है। और वीडियो पहले की बनी हुई, बहुत पहले की रिकॉर्डिंग है। एज यू कैन सी द यूज़र नेम ऑफ माय गेम आईडी, डैट इज़ सैटन नॉट बिग बीस, बिकॉज सैटन इज़ माय फर्स्ट एवर आईडी आई हैवर प्लेड विद। आफ्टर सम टाइम आई चेंज दैट नेम सैटन टू बिग बीस यूट्यूब by giving some number of gems, green gem I already have in my wallet, you can see that, because I never purchase a pass with real money in Pawn Star, super sad. And one more thing I have to say, and can say that I have to share, that is
अबाउट माई क्लैश ऑफ क्लैन आई डी डैट क्लैश, मेरी क्लैश ऑफ क्लैन आई डी भाई उससे कनेक्ट है। एंड सॉरी यार मैं थोड़ा सा इंग्लिश में चला गया, मैं प्रैक्टिस कर रहता हूँ थोड़ी सी बोल बोल के, कि क्योंकि कभी ना कभी तो भाई मैं इंग्लिश में भी बात करूँ या जो मर्जी, प्रैक्टिस होती रहती है ऐसे। एंड मुझे पता है कि इस वीडियो पे अभी ज़्यादा व्यू नहीं आएंगे तो इतना कोई वो नहीं है, पर सॉरी जिनको मेरी इंग्लिश समझ नहीं आई, इट इज़ नॉट टू बैड। मतलब कुछ ज़्यादा उतनी गंभीर अंग्रेजी का यूज़ हमने मतलब इस्तेमाल तो नहीं करा है हमने अपनी वार्तालाप में, अदरवाइज़ मैंने तुम्हारे फ्लो फ्लो में कुछ भंग डाला हो तो आई एम सॉरी तो नहीं कहूँगा। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ठीक है। तो यहाँ पे भाई देखो हमारी टीम में है पाइपर है, रिको है, ठीक है, एंड यहाँ पे बी है डायनामाइट एंड कॉल। तो भाई देखो अब इनके पास एडवांटेज दोनों पे है, क्योंकि दोनों पे भाई एक तो ओपन मैप है ये फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग ओपन मैप में भाई लॉन्ग रेंज ब्रॉलर्स जो होते हैं बड़े कामयाब होते हैं। ये देखो भाई ऐसी नहीं घूम रहा है, ये इसकी बी की एक्टिवेशन पावर है, जब भी ये किसी को अपना एक नीडल मारता है तो इसका जो शील्ड है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसको नहीं पता, ठीक है। पर ये तो मैं भैया चूज़ करना पड़ा है गैजेट है एक्चुअली एक तरह से ये, ठीक है। अब देखो बी जैक होगी और जैकी है ना उसका नाम, ठीक है, और पैनी होगी, इनके पास अपने गैजेट्स है जो कि ये यूज़ करते हैं भैया इसमें, ठीक है। तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि भाई कितने कितने टाइप के ब्रॉन्जर्स है, उनकी कमजोरी क्या है और उनकी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ और कमजोरी तुम्हें सबसे अच्छी तरह से तब पता चल सकती है जब तुम खुद उस ब्रॉन्जर से बहुत टाइम तक खेलो, यूज़ करो, उसकी रैंक कम से कम 20 करो, तो तुम जान पाओगे भैया हाउ टू प्ले विद डैट ब्रॉन। अगर तुमने 20 भी कर लिया तो तुम्हें भैया 80% पता चल गया है कि उस ब्रॉन्जर की ताकत क्या है और कमजोरियाँ क्या है। और इसी बात में ये मैच हार गया है, मिलते हैं भैया अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेक गो टू योर वर्क, डू हार्ड वर्क, गिव टाइम टू एन स्किन यू हैव इंटरेस्ट एंड यूज दैट स्किन अगेंस्ट अर्न मनी। और कोई बुक वगैरह पढ़ो जिससे तुम्हें हेल्प मिले फाइनेंस रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, तो तुम क्या होगा इससे तुम्हारे साथ कि तुम भाई तुम्हें एक तरह से डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने भी यही करा था, अभी नहीं कर रहा क्योंकि भाई एक बुक पढ़ना इतना इजी नहीं होता जितना लोग बोलते हैं, मैं भी कह रहा हूँ, बट एक टाइम पे मैंने पढ़ी है एंड आई फिनिश आई थिंक 1 or 2 बुक फिनिश करी है और सारी मैंने बीच बीच में से पढ़ी है। इतनी सारी बुकें हो गई थी तो मैं क्या करता था, एक एक पेज पढ़ता था हर एक बुक में से, हर दिन मतलब जैसे 10 बुकें हैं, 10 बुकों में से एक दिन मैंने आज पढ़ ली, 10 पेज पढ़ लिए मैंने एक एक पेज हर बुक में से। तो ऐसे मैंने बुकें पढ़नी स्टार्ट करी, 2 बुकें ख़त्म करी, एक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स रिच डैड एंड पुअर डैड, वो ख़त्म करी है मैंने, और एक और बुक थी रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, ठीक है। इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा वैसे, क्योंकि कह सकते हो तुम क्या कह सकते हो, जैसे रिच एंड पुअर डैड से तुम सबसे अच्छा मैंने जो सीखा वो है एसिड एंड डायबिटीज का कॉन्सेप्ट है वो सीखा मैंने, एंड रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में से मैंने ये सीखा कि भाई मनी को सेव और दुगना तिगना कैसे करा जाता है ये सब। पर उसके लिए भी तुम्हारे पास मनी होना भी चाहिए, ठीक है, पैसे होने चाहिए, इवन यू आर इन जॉब और अ बिजनेस यू हैव मनी, ठीक है। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मेरे पे कुछ नहीं है, अदरवाइज़ मैं थोड़ा डोकोमो उसका काम कर लेता हूँ, कंप्यूटर वर्क कर लेता हूँ, और उससे मुझे कभी कभी जब काम आता है तो पैसे की अर्निंग हो जाती है एंड दैट्स ऑल फॉर मी, वो भी घर में खर्च हो जाते हैं। मैंने अभी तक अपने काम से कुछ नहीं दिया।